कोरोना आपदा की लड़ाई में बौद्ध मठों का दरिया दिल, किसी ने दिए 23 लाख तो किसी ने 10 लाख, किसी ने 16 लाख तो किसी ने 3 लाख। आपको बता दें कि देश और राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ था, लेकिन तिब्बती धर्मगुरुओं ने इससे पहले ही खतरे को भांपते हुए अपने धार्मिक परिसरों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया था। क्लेमेंट टाउन का बुद्धा टेम्पल 5 मार्च को ही लॉकडाउन कर पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। तिब्बती कॉलोनी के प्रधान उज्जय जिग्मे ने बताया कि सभी सेल्फ क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। इस दौरान परिसर में पूजा पाठ से लेकर सामूहिक भोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया जा रहा है। कॉलोनी के सभी गेट पूरी तरह से बंद हैं। साथ ही परिसर के आसपास रहने वाले करीब 60 मजदूर परिवारों को मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री राशन की मदद दे रहा है। तेनकेप लामा ने बताया कि सीएम पोस्ट में मठ की ओर से रविवार को 10 लाख रुपए का अंशदान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा गया। इसके अलावा उत्तर सिक्किम स्थित फोदोंग मठ द्वारा सिक्किम के सीएम कोष में 3 लाख और गुम्बा द्वारा कलिम्पोंग मठ द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम कोष में 3-3 लाख रुपए की सहायता भी दी जा रही है। राजपुर स्थित 12 साक्या ट्रिजिन से जुड़ी तिब्बती समुदाय ने सीएम कोष में 23 लाख रुपए दिए हैं। लॉकडाउन अवधि में धर्मगुरु लामा भी पूजा के लिए तिब्बती लोगों के घर नहीं जा रहे हैं। कुछ दिन पहले चंद्रबनी क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती परिवार में एक मृत्यु हो गई थी, लेकिन लामा पूजा के लिए उस परिवार के यहाँ नहीं गए। परिजनों ने गौतम कुंड में ही अंतिम संस्कार किया, पूजा मोनेस्ट्री में रहकर ही की गई। नीम मापा महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बौद्ध धर्मगुरु महामहिम श्रद्धे खोरचेन रिन पोचे जी ने राष्ट्रहित में राज्य सरकारों को चीफ मिनिस्ट्री रिलीफ फंड में कुल 16 लाख रुपए का दान किया, जिसमें उत्तराखंड में 16 लाख व सिक्किम में और बंगाल में 3-3 लाख रुपए का दान किया है और तथागत बुद्ध की करुणा का संदेश विश्व शांति दे ऐसी कामना की है। और हर लोगों को जो इस रोग से लड़ रहे हैं उन सबका मनोबल बढ़ाने का संदेश दिया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है। कई लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपने प्राण खोए हैं। देश में और विश्व में एक भय का माहौल बना हुआ है। इस संकट की घड़ी में तथागत सम्यक संबुद्ध का वह संदेश याद आता है जो उन्होंने अपने भिक्कुओं को कहा था, अपने संघ के लोगों को कहा था। चरत भिक्कवे चरिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय देव मनुष्यान। इस संदेश को मन में हृदय में बसाते हुए मेरे गुरु श्रद्धे महामहिम खोचेन रिंपोचे जी, जो कि निंगमापा महाबोधि चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 10 लाख रुपए उत्तराखंड सरकार को, 3 लाख रुपए सिक्किम सरकार को, 3 लाख रुपए पश्चिम बंगाल सरकार को दान स्वरूप दिया गया है। आशा करते हैं इस छोटी सी धनराशि से अधिक लोगों का कल्याण होगा, लोगों को सहायता पहुंचेगी। साथ ही साथ हम आशा करते हैं और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं उन लोगों का जो इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं और जो इस संकट की घड़ी में देश का और विश्व का साथ दे रहे हैं, भले वो किसी भी स्तर में हो। बुद्ध के शिष्यों ने सदैव जब जब विश्व संकट में जाता है निस्वार्थ मदद का हाथ बढ़ाया है। बुद्ध के इस संस्कार का पूरा विश्व आभारी है। बुद्ध भूमि भारत में भी आज बौद्ध भिक्षुकों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और साथ ही साथ जल्द से जल्द इस रोग की मुक्ति की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।